जय राजस्थान, जय राजस्थान, जय राजस्थान, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य राजस्थान, राजस्थानी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका की तरफ से आयोजित इस फोर्थ इंटरनेशनल कन्वेंशन में काउंसिल जनरल मुले जी की उपस्थिति का लाभ लेते हुए सबसे पहले तो आपका इस स्थान पर राजस्थानी होने के नाते स्वागत करते हुए, आपको यहाँ जिस तरह से आयोजन हुआ है, जो कुछ राजस्थान की वानगी इस कन्वेंशन में आपने देखी, उस पर आपकी प्रतिक्रिया। अशोक जी, मैं बहुत खुश हूँ। हमारी भारतीय संस्कृति का जो विशेष है विविधता में एकता, उसका बहुत अच्छा मुझे स्वरूप यहाँ देखने को मिल रहा है। और वो हमारे नृत्य हो, संगीत हो, लोगों के पहनावा हो, कपड़े हो, साड़ी हो या ड्रेस हो, चित्र हो या कला हो, सब में जो है यहाँ राजस्थान मुझे देखने को मिल रहा है। मतलब राजस्थान जाने की ज़रूरत नहीं, राजस्थान मुझे जो है अमेरिका में मिल गया। ये जो खासियत है ये मुझे बहुत अच्छी लगी। दूसरा मुझे ये अच्छा लगा कि बहुत सारे अलग अलग विषयों पर यहाँ विचार होता जा रहा है, क्योंकि किसी भी समुदाय को गतिमान गतिशील होने के लिए ये ज़रूरी है कि वो समुदाय आपस में विचार मंथन करें। और यहाँ जो विचार मंथन है आर्थिक उन्नति के बारे में हो रहा है, अपनी सांस्कृतिक और अस्मिता के बारे में यहाँ चर्चा हो रही है, किस तरह से व्यवसाय और व्यापार को बढ़ावा दिया जाए इसके बारे में चर्चा हो रहा है। यहाँ पर एक्चुअली मीना बाज़ार लगा हुआ है, आर्टिस्टों ने अपने जो चित्र है उसका प्रदर्शन यहाँ लगाया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें ना सिर्फ भारत में लेकिन अमरीका में भी हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार करना है। और जो इस तरह की प्रांतीय या राज्यीय संस्थाएँ हैं वो बहुत अच्छी तरह से कर सकती है। मैं समझता हूँ कि उस दिशा में ये बहुत अच्छा कदम है कि हम लोग आके जो है विचार विमर्श करते हैं। दो प्रश्न आपसे समय की सीमा देखते हैं अभी जो करना चाहता हूँ, उसमें से एक तो जुड़ा हुआ है, आपने ये विचार किया स्टेट बाय स्टेट और विशेष रूप से एक राज्य को केंद्रित कार्यक्रमों की श्रृंखला का आयोजन आप करने वाले हैं, और उस क्रम में अगस्त के महीने में राजस्थान महोत्सव जैसा आयोजन किया जा रहा है। ये जो परिकल्पना है उसके पीछे का जो चिंतन है वो हमारे साथ बांटे। वो बहुत आसान चिंतन है। चिंतन ये है कि हम भारत के बारे में यहाँ जानकारी देना चाहते हैं, लेकिन वो कैसी दी जाए, क्योंकि भारत इतना विशाल देश है और यहाँ के लोगों को एक भारत की आम प्रतिमा जो है वो लोगों को पता है, लेकिन भारत के इस पर्दे के पीछे है क्या, तो इसके पीछे इसके राज्य है और इन राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग तरह का खान पान होता है, अलग अलग तरह का पहनावा होता है, और इसका परिचय जो है लोगों को मैं समझता हूं कि करवाना बहुत ज़रूरी है। अलग अलग राज्यों की प्रगति भी अलग अलग हुई है, जैसे केरला की स्थिति जो है वो बिहार से अलग है, राजस्थान की स्थिति जो है वो पंजाब से अलग है, हिमाचल की और इन प्रदेशों से अलग है। तो अगर यहाँ के लोग जानना चाहते हैं तो जाने कि हिंदुस्तान जो है किसी शोभा दर्शक कैलिडोस्कोप से कम नहीं है। तो वो अपना रंग चुने, अपना डिज़ाइन चुने, लेकिन उसके लिए हमें उनको ये क्या क्या भारत के अलग अलग नक्शी है, नक्काशी है भारत की, इसका परिचय करवाना ज़रूरी है। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि राज्य जो है एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है, क्योंकि अंतिम जो भी निर्णय होंगे वो राज्यों में लिए जाते हैं। दिल्ली में तो केंद्र सरकार है ही, लेकिन किसी को अगर कोई व्यापार करना है, कोई उद्योग लगाने हैं,
तो राज्य में जाना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि इसी बहाने राज्य के बारे में जानकारी बढ़ेगी, पर्यटन बढ़ेगा, इन लोगों को अरे भारत की जो विशालता का असली स्वरूप क्या है उसकी पहचान होगी। तो ये इसके पीछे मेरा चिंतन था और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि हमारे यहाँ की जो भारतीय समुदाय है वो बहुत ही इसके बारे में अत्यंत उत्साही है, इसको लेके और काम करने के लिए उत्सुक है। मैं चाहता हूँ कि इसको हम यशस्वी करें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे देश से आए हुए जो कौंसल जनरल अमेरिका न्यूयॉर्क में विशेष रूप से भारत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, भारतीयों की सेवा कर रहे हैं, उनके अंदर भारतीयता का जो भाव है उससे हम कुछ सीख सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से। इस नाते में आपसे पूछ रहा कि अभी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो जब प्रधानमंत्री बनने की यात्रा कर रहे थे तो गुजरात मॉडल की बहुत चर्चा हुई और भी कुछ कारणों से पिछले कुछ महीनों या कुछ वर्षों से विशेष रूप से एक प्रकार का प्रतिस्पर्धा का सा भाव एक राज्य दूसरे राज्य के मध्य, चाहे विकास की बात को लेकर हो या कभी कभी भाषा को लेकर या कभी महाराष्ट्र से कुछ ऐसे स्वर आए जो किसी अन्य राज्य के विरोध में उठते दिखाई दे रहे थे, तो ये जो राज्य के बीच का संबंध है उसको लेकर आपको क्या लगता है, भारत कोई एक नए समीकरण की तरफ बढ़ रहा है? जो राष्ट्रीय एकता की भाव है उसमें राज्य के प्रति निष्ठा क्या कहीं बाधा हो सकती है? नहीं, भारत जो है पुराने समय से जो है भारत की खासियत रही है कि हम कहते हैं कि एको हम बहुश्याम, हम एक है लेकिन हमारा रूप अलग अलग है, हमारी जो विधा अलग अलग है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई भारतीय अस्मिता पे आँच आनी नहीं चाहिए। राज्यों में स्पर्धा होना एक तरह से अच्छा है लेकिन असंवैधानिक स्पर्धा ना हो, किसी तरह से किसी को उससे चोट नहीं पहुंचनी चाहिए किसी भी तरह से, और गैरकानूनी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर स्पर्धा हो तो एक राज्य दूसरे राज्य से अच्छा काम करें, अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएं और लोगों को सेवाएं सुविधाएं अच्छी सी दे दें। तो उसमें समझता हूँ इस मामले में अगर स्पर्धा होती है या लोगों को अपने राज्य के बारे में ज़्यादा गर्व की बात होती है तो मैं समझता हूँ कि उससे कोई हमारे देश के प्रतिमा पर या देश की एकता पर कोई ये नहीं आता है। और मैं समझता हूँ कि ये विविधता नहीं, हमारी एकता जो है टिकी हुई है, छुपी हुई है। अंतिम प्रश्न के रूप में, जैसे आपका जो भूमिका है उसके नाते भी आप भारतीय समुदाय या अन्य लोगों, इतने लोगों से मिलते हैं और अब हम उस युग में हैं जहाँ की छोटे बच्चे जब बड़े हो रहे हैं तो वो कंप्यूटर, आईपैड और आईफोन इत्यादि बातों से इतने घिरे हुए हैं, बल्कि बड़े लोग भी अधिकाधिक टेक्निकल चीज़ों की तरफ इतने ज़्यादा जा रहे हैं कि ऐसा लगता है उनके अंदर एक दूसरे मनुष्य से जुड़ने की जो पात्रता है वो पहले से कुछ कम होती जा रही है। आपके भीतर मुझे ऐसा अगेन व्यक्तिगत रूप से लगता है कि एक ऐसी सहज आत्मीयता है जो सबको एक ऐसे स्तर पर अपना पाते हैं जो किसी बड़े पद पर बैठने के साथ जो एक भान हो जाता है उसमें कहीं बाधा हो जाती है। तो प्रश्न यह है कि ऐसा क्या भारतीय संस्कृति से आपने सीखा है या जो संस्कार अपने माता पिता से पाए हैं जिसमें कि सबको अपनाने वाली ये पात्रता नित्य गतिमान रहती है? बिल्कुल, मैं अपने लिए तो यही कहूँगा कि हमें जो शिक्षक मिले, हमें जो भगवान की कृपा से माता पिता मिले, उनका हमारे ऊपर बहुत बोझ है। संस्कारों का ये काम है कि उन्होंने हमें ये बताया कि भाई अपने देश से, अपनी मिट्टी से प्यार करो, उससे जुड़े रहो, और ये संदेश जो है मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोग अक्सर जो है बहुत पैसे आ जाते हैं तो दिशाहीन हो जाते हैं। तो हमें भी अपनी तरफ बांध के रखने वाला कुछ, हमारे मन पर हमारे जो मोह माया है उसके ऊपर भी कोई नियंत्रण होना चाहिए, निर्बंध होना चाहिए। वो जो है मैं समझता हूँ कि देश प्रेम हो सकता है, जनता के बारे में जो प्रेम है वो हो सकता है, और इसलिए मुझे लगता है कि ये चीज़ें मुझे जो है अपने देश से मिली है, अपने मिट्टी से मिली है, माँ बाप से मिली है, अच्छे दोस्तों से मिली है। और मैं तो समझता हूँ कि जहाँ जहाँ जो भी अच्छा आदमी मिले, व्यक्ति मिले, तो मैं उसको गुरु मान के चलता हूँ। मराठी में संत एकनाथ हो गए थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है। वो कहते थे कि जो जो जयाचा गुण तो मी गुरु केला जाण,
गुरु सी आले अपार अपन जग संपूर्ण गुरु दिसे। इसका मतलब यह है कि जो जो जहाँ जहाँ अच्छाई दिखी उसको उसी को व्यक्ति हो या पदार्थ हो उसको मैंने अपना गुरु माना। अब ये स्थिति आई है कि पूरी दुनिया में चारों तरफ मुझे गुरु दिखने लगते, तो ये ऐसे संस्कारों में हम पले हुए हैं, तो उसका बहुत मैं समझता हूँ कि मन के शांति के लिए उसका बहुत फ़ायदा होता, जीवन की दिशा के लिए उसका बहुत फ़ायदा होता, और उसी से हम जो भी है आज उसी से बने हुए हैं और हमें उसमें बहुत संतोष। तो ये संतोष और आनंद हमारे साथ मुले जी के साथ विशेष रूप से और कुछ समय बाद में भारत के राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाए जाने वाले एक प्रकार से जो भारत की आध्यात्मिक चेतना है उसके प्रवाह की दृष्टि से गुरु पूर्णिमा का पर्व आ रहा है, और ऐसे में आपने ये स्मरण करवाया कि पूरा जो विश्व है वो कहीं ना कहीं गुरु रूप में है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। सौ मुर्गी लगिया थारी लाख मोर को लहंगो, अरे सौ मुर्गी लगिया थारी लाख मोर को लहंगो लहंगो, अरे तो मत को मान कर बहुत पड़े लो महंगो, अरे इधर मत को मान कर बहुत पड़े लो महंगो, जरा सो जो ले ले गोरी पल्लो भीग जावे लो, जरा सो जो ले ले गोरी पल्लो भीग जावे लो, पल्लो लट के रे मारो जियो धड़के, डॉक्टर शशि शाह साहब सराहना कन्वेंशन जो आयोजित हुई लोगों ने उसका इतना आनंद लिया, इसके बहुआयामी स्वरूप इस आयोजन का रहा है, अब जब लगभग ये समापन की तरफ है इस पूरे आयोजन को लेकर आपके अनुभव को हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप यहाँ पधारे और यह 4 साल बाद कन्वेंशन हुआ, हम लोग हर 3-4 साल से करते हैं और यह काफ़ी सफल रहा। उद्देश्य था कि सारे देश के लोग और प्रदेश के लोग यहाँ राजस्थान इकट्ठे हों, साथ में चर्चा करें और अपनी संस्कृति दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ, नेक्स्ट जनरेशन तक पहुँचाएँ कि संस्कृति क्या है, राजस्थानी कल्चर क्या है, उसका खान पान क्या है, वेशभूषा क्या है, उसके नृत्य क्या है, उसका संगीत क्या है। उस लिहाज से यह कन्वेंशन बहुत सफल रहा। जो हमारा खान पान बड़ा अच्छा राजस्थानी बहुत, जैसे दाल बाटी थी, गट्टे थे, कैर सांगरी थी, ये राजस्थान की टिपिकल फूड है, क्योंकि वहाँ की जो वातावरण है, वायुमंडल है, जो धूप है, उनमें यही चीज़ें बन पाती हैं। लैंड एक्विजिशन इन इंडिया हैज़ बीन मेड एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बाय अ पर्टिकुलर लॉ दैट द प्रीवियस गवर्नमेंट ब्रॉट आउट। सो सिंस जनवरी 2014 when this land acquisition law came into force, no land acquisition has been done by anybody, and that of course, you know, without land is required for anything and everything. You want to do roads, you need land. You want to do hospitals, you need land. You want to do schools, you need land. You want to do industrial expansion, you want to, you know, create an auto firm like Nano that Tata was doing, you need land for everything. So that law will have to be changed as well. Manufacturing is happening in the public sector. A lot of that has to be privatized down the road. Higher education is another very, very important area. You know, that's an area I often say that's one of the areas which still remains a monopoly. You know, we have introduced competition almost everything, but higher education in India is the monopoly of the University Grants Commission or the HRD Ministry. That needs to change. केसरिया बालम
अपने कुछ लम्हे छोड़कर आए होंगे, कुछ यादें छोड़कर आए होंगे। सुनिए, दूर है तेरी बस्ती शहर से मेरे, तेरा चेहरा मगर मेरी आंखों में है, खिड़कियों में जड़ी है सलाखें बड़ी, पर उड़ाने तेरी मेरी पाखों में है, पर उड़ाने तेरी मेरी पाखों में है, मेरी पाखों में है, नाम तक से तेरे हूँ मैं अनजान पर, नाम तक से तेरे हूँ मैं अनजान पर, नाम तक से तेरे हूँ मैं अनजान पर, रूह से रूह की जान पहचान है, तू मेहरबान है दिल का। बहुत बात तो हो गई जो मैंने कहनी थी, लेकिन आप जो है तलाशते रह गए कि कहाँ क्या कह गई सरिता। अंतिम बात पढ़ती हूँ, गीत का सुनेगा। तू मेहरबान है दिल का मेहमान है, तुझको देखा अचानक तो ऐसा लगा, मुझको मुझसे मिलाने कोई आ गया, तुझको देखा अचानक तो ऐसा लगा, मुझको मुझसे मिलाने कोई आ गया, मेरे आशकों को दामन मिला प्यार का, मुस्कुराना सिखाने कोई आ गया, मुस्कुराना सिखाने कोई आ गया, हाँ कोई आ गया, तुझको चाहूँ के तेरी इबादत करूँ, तुझको चाहूँ के तेरी इबादत करूँ, तुझको चाहूँ के तेरी इबादत करूँ, दीन है तू मेरा मेरा ईमान है, तू मेहरबान है दिल का मेहमान है, दिल का मेहमान है, दिल का मेहमान है कभी पीड़ा कभी आनंद है कभी पीड़ा कभी आनंद है, प्राण से यह प्राण का अनुबंध है, और देह कैसे गा सकेगी प्रेम को, प्रेम केवल आत्मा का छंद है।
पहली बार आप जागे हैं सर, लुगाई के नाम पे हर कोई जाग जाता है सर। दूसरा प्रश्न मैं आपको समर्पित करता हूं, डॉक्टर साहब आप लोग आनंद लेंगे। दूसरा प्रश्न उसमें जो पत्नी पीड़ित बोले, बाबा मैं तो आज तक समझ नहीं पाया लुगाई चीज क्या है, नारी चीज क्या है। तो बोले बाबा, बोले बेटा नारी पावर है, नारी शक्ति है। अरे बोले पुरुष क्या है, बोले पुरुष सहन शक्ति है। सब पीड़ित लोग तालियां बजा रहे हैं, देखो सब पीड़ित लोग। दूसरा सवाल करता बोले बाबा मैं तो आज तक समझ में नहीं पाया, आज तक समझ नहीं पाया कि ये विवाह क्या चीज है, शादी क्या चीज है। पहली बात जिस बात को कहकर मेरे भाई शैलेश सोढ़ा को जो बहुत पसंद है, मैं बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। बाबा से उसने पूछा ये शादी क्या है, मैं आज तक नहीं समझ पाया। बाबा बोला बेटा शादी दो आत्माओं का मिलन है, एक रात दो आत्माओं के मिलने के बाद सारी जिंदगी आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए छटपटाती रहती। तो बोला बाबा अब तो तुम बाबा जी हो गए, तुमने अपनी लुगाई छोड़ दी, क्या अब भी तुम अपनी लुगाई से उतना ही प्यार करते हो? बोले बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं, और भगवान से ही प्रार्थना करता हूं, हे भगवान मेरी जैसी लुगाई सबको देना, सबको देना, सबको देना, और हिम्मत हो तो तू खुद भी रख के देख। मिले श्रोता आप जैसे सुनने वाले, हालांकि मैंने हजारों कवि सम्मेलन पढ़ डाले पर मुझे आज तक नहीं मिले श्रोता आप जैसे सुनने वाले। अरे आप जैसे लोग अब कितने बचे हैं, आप हैं जो साहित्य में रचे हैं, आप जैसे लोगों का कोई सानी नहीं है, आप नहीं है तो साहित्य में रवानी नहीं है। अरे आपके कारण ही टिका हुआ है हिंदुस्तान, आपके कारण ही ठहरी है धरती, बचा हुआ है आसमान। आज आपको देखकर भावनाओं में भर रहा हूं, इसलिए मैं लाल किले वाले वो बहुत बड़े बड़े कवि सम्मेलन आज आप पर न्यौछावर कर रहा हूं। अब आप भी अपनी तारीफ में इतना मत खो जाइए, मेरी कविता खत्म हो रही है, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। राजस्थानी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका की कन्वेंशन में सबसे अधिक आनंद लेने वाले नन्हे नन्हे बच्चे मेरे साथ हैं, तो आपको कैसा लगा इस कन्वेंशन में? It was really good. What you enjoyed most? It was fun meeting new people and... Wow, very good. What's your name? Hirsch. And आपको कैसा लगा? What did you like here? And the hotels. Oh, hotels. Very good. What about you? I liked how the food was tasty. Very nice. I like their pool, but I have one iffy minor. It was too much chlorine. आपको हिंदी बोलनी आती है क्या? हाँ। अच्छा तो आप बताइए यहाँ पे सबसे अच्छा क्या लगा आपको? तो मुझे लगा था अच्छा जहाँ पे सब सेलिब्रिटीज आए, जैसे पॉपुलरी और हमारी राजस्थानी की मीटिंग हुई। Very good. आपको कैसा लगा? खाना बहुत अच्छा था। I like the hotel. What did you like? I like the hotel. Very good. So he likes the hotel and Now you tell me at length, did you attend any of the event here other than food? Yeah, I did Mr. Jane's speech and I thought the speeches were really good and I liked how they talked about our culture. Jai Rajasthan! Jai Rajasthan! Jai Rajasthan! Jai Rajasthan! Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind!